Hello, hello students. At class, I am teaching you the poem "Last Bargain." इस poem में यानी हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है एक poet है, एक जो है वो अपने किसी जाता है, एक रास्ते पर जाता है और जो stone का moment है उस पर जाता है और वो कहता है अब उसे हायर करने के लिए अपनी सर्विसेज के लिए, और उसके यानी कि जो है उसको हायर करने के लिए जो सबसे पहले किंग आते हैं और उसको अपनी पावर से हायर करना चाहते हैं, परंतु वो रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है, क्योंकि उनकी पावर कभी भी ख़त्म हो सकती है। फिर जो है ऑड मैन जो है वो आता है और उन्हें अब बैग ले करके गोल्डन कॉइन्स का और उसे हायर करने के लिए कहते हैं, परंतु उसे भी वो इग्नोर कर देते हैं या रिफ्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि वो भी जो है उसके जो है कॉइन्स ख़त्म होने के बाद वो क्या करेगा, वो उसे हायर नहीं कर पाएगा, इस वजह से जो है वो भी मना कर देता है। परंतु जब वो एक बीच पर जाता है, वहाँ पर एक बच्चा खेलता रहता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें बिना यानी कुछ दिए हायर करना चाहता हूँ और हायर करूँगा, तो वो उसकी इनोसेंस को देख करके वो इसी यानी कि जो है तैयार हो जाता है और अपने आप को आज़ाद महसूस करने लगता है कि जो है वो किसी भी बिना इनोसेंट के वो उसके साथ कार्य करने के लिए, वो उसके कार्य करने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो सकता है और वो एक तरह से अपने आप को एक आज़ाद व्यक्ति महसूस करता है। हम यहाँ पर ये देखते हैं फर्स्ट सिंजा, कम एंड हायर मी आई क्राइड व्हाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पूल्ड रॉड। यानी कि यहाँ पोइट जो है पोइट है वो कहता है कि मैंने जो है चिल्ला करके बोला और यानी कि या रो करके बोला कि मॉर्निंग को सुबह के समय को कि मैं जो है जब मैं वॉकिंग कर रहा था रोड पर तब मैंने जो है हायर अपने आप को हायर करने के लिए बोला। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट He had my hand and said, और फिर एक राजा आया अपने रथ में और उसने मेरा हाथ पकड़ा और फिर बोला I will hire you with power, मैं अपने शक्ति से पावर से तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। But his power counted for naught, परंतु उसकी जो है पावर counted not for naught यानी कोई मूल्य नहीं रखती, कोई जो है योग्य नहीं रखती, योग्यता नहीं रखती। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और फिर उस यानी कि उसने मना कर दिया उसे हायर होने से, तो वो अपने चैरियट पर चला गया था। तो हम इस तरह से जो है बोलते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं पोइट वॉक्ड इन द मॉर्निंग ऑन द रोड ऑफरिंग हिज सर्विसेज टू द पासर बाय। ए किंग कमिंग ऑन हिज चैरियट अलोंग विद द स्वॉर्ड इन हिज हैंड, ही हेल्ड हिज हैंड पोइट्स हैंड एंड वॉन्टेड टू हायर हिम विद हिज पावर एंड ऑथोरिटी। द किंग पावर वॉज ऑफ नो सिग्निफिकेंट टू द पोइट, सो He refused to his offer and the king departed the way that he had come. Next देखते हैं second sinja, in the heat of the midday the house stood with shut doors, I wandered along the crook lane. यहाँ poet जो कहता है कि वो एक crook लेन में घुमावदार जो गली थी उसमें घूम रहा था और गली जो है रात
बहुत ही दोपहर के समय थी, सब जो है सबने अपने डोर बंद कर रखी थी, खिड़कियां बंद कर रखी थी। एंड ऑल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। फिर एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, एक जो है बैग ऑफ गोल्ड, गोल्ड का जो बैग है वो लेकर आया। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, फिर उसने बहुत गहरी विचार किया। यहाँ पॉन्डर्ड मीनिंग है ठीक है, थॉट डीपली, बहुत गहरा विचार किया। एंड सेड, बोला, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं अपने पैसे से तुम्हें हायर करता हूँ। ही वैक्ड हिज कॉइन बाय वन, उसने अपने कॉइन से एक एक करके गिना। बट आई टर्न अवे, परंतु पोइट कहता है मैं जो है मुड़ा और चला गया, यानी कि उसने उसके कॉइन्स को भी कोई महत्व नहीं दिया, क्योंकि वो सोचता, उसने सोचा कि वो कॉइन्स भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और उसे यानी कि फिर वापस उसी तरह से हायर होना पड़ेगा किसी दूसरी जगह। नेक्स्ट इंग्लिश में हम कह सकते हैं, इट वॉज वेरी हॉट नून, बहुत ही गर्म जो है दिन था। एंड द डोर्स ऑफ द हाउसेज वर शट, और दरवाजे बंद थे मकानों के। आई मूव्ड इन द वेंडिंग लैंड, और वो जो है घुमावदार गली में चला जा रहा था। वैन एन ओल्ड मैन अप्रोच्ड मी, यानी कि वो जो है उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति पहुंचा। एंड ऑफर्ड मी हिज बैग ऑफ गोल्ड, और उसने उसका जो है गोल्ड का बैग उसे ऑफर किया, प्रस्ताव किया। ही वांटेड टू हायर मी, वो उस मुझे हायर करना चाहता, यानी कि वो उसे हायर करना चाहता था। द ऑफर डिड नॉट अपील टू मी, और ये ऑफर उसे आकर्षित नहीं कर पाया। एंड आई वेंट अवे फ्रॉम हिम एज ही स्टार्टेड काउंटिंग आउट द कॉइन्स, और जैसे उसने कॉइन्स गिनना शुरू किया और वो मुड़ करके पॉइंट चला गया। इस तरह से यानी कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है कि किस प्रकार से इसके स्टेंजा में क्या किस तरह की बात बोली गई है। अब नेक्स्ट हम आगे का जो है सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।